أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا। मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल एहतराम और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक इंसान के लिए न सिर्फ आखिरत की कामयाबी का ज़रिया हैं बल्कि दुनिया की सआदत और दुनिया की भलाई का भी ज़रिया है। ये वो हकीमाना रास्ता है जो इंसान को भटकने से बचाता है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी का एक मकसद दिया है और इस मकसद के साथ दुनिया में उसकी हाजात व ज़रूरियात भी हैं। एक इंसान को इन दोनों को लेकर चलना पड़ता है। एक तरफ अल्लाह की इबादत है जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है, जिसके बगैर उसकी नजात नहीं, लेकिन इसी के साथ उसकी अपनी ज़ाती हाजतें भी हैं, खाना पीना लिबास दवाई से लेकर घर और तिजारत, वो सारी चीज़ें हैं। ये इसकी दुनिया है और इसके लिए उसको भागदौड़ करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, ठोकरें खानी पड़ती हैं, अपनी सारी सलाहियतों को इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये दुनिया वाकई शरीयत के दायरे में हो और अल्लाह की मर्ज़ियात के और कुरान और सुन्नत की रहनुमाई के मुताबिक हो और अच्छी नीयत के साथ हो तो ये उसके लिए दीन भी बन जाती है। असल इसमें मुहर्रिक उसका मकसद और उसकी नीयत होती है। इंसान के लिए एक तरीका तो ये है कि वो ज़िंदगी में ठोकरें खा खा के सीखे और फिर उसके बाद सही रास्ता या सही ज़िंदगी गुजारे, कामयाबी तक पहुँचे। दूसरा तरीका ये है कि वो किसी समझदार की बात को लेकर अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक चले। ये ज़्यादा अच्छा और आसान तरीका है क्योंकि हर ठोकर इंसान को बचाती नहीं है, कुछ ठोकरें खाई में भी ले जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो अपने तजर्बे को बुनियाद बनाते हैं और दुनिया में अपनी रिसर्च और अपनी मालूमात के मुताबिक चलते हैं, बाज़ औक़ात वो बहुत दूर निकल जाते हैं और नाकाम होते हैं। बाद में जाके बुढ़ापे में आखिरी उम्र में समझ में आता है कि सही चीज़ ये थी, मैं कुछ और समझता रहा। कितने ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं, जब कुरान और सुन्नत की तालीमात उनको मिलती हैं तो अफसोस करते हैं कि काश ये चीज़ हमको ज़िंदगी में जवानी में मिल जाती है, काश ये चीज़ हमको बहुत पहले मिलती तो इतनी ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, उसका बहुत बड़ा हम पर करम है कि हमको उसने एक ऐसा दीन दिया जिसमें ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ यूं ही मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है। कदर कैसे होती है? जब ठोकरें खा के आदमी उस चीज़ को पाता है। एक इंसान की सआदत यह है कि वो अपनी अक्ल, अपने तजर्बे, लोगों की बातों से ज़्यादा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अहमियत दे और यकीन रखे यही सही है, बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, आज नहीं तो कल उनको मालूम पड़ेगा, लेकिन बात वही सही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। आखिरत की कामयाबी के साथ साथ दुनिया में सुकून की ज़िंदगी पाना ये खुद एक कामयाबी है। सुकून का मतलब ये नहीं कि इंसान को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, सुकून का मतलब ये है कि उन प्रॉब्लम्स में भी आदमी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा,
बल्कि मसाइल के बावजूद भी वह अपने आप को संभाल के चलेगा। ये कामयाबी है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं, चाहे वो नबी और रसूल हो, जिनको प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। लकद खलकनल इंसान फी कबद, इंसान को हमने मशक्क़त ही में पैदा किया है। तो सारे इंसान दुनिया में हैं, वह नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम इनको आजमाते हैं। वह नबलूकुम, हम तुमको आजमाते हैं इम्तहान के तौर पर। बिश्शर्रि वल खैरि फितना, शर और खैर के ज़रिए से आजमाइश और इम्तहान के तौर पर, इब्तिला के तौर पर। तो इंसान का इम्तहान होना ही होना है, वो इम्तहान से भाग नहीं सकता, परेशानियों से भाग नहीं सकता। लेकिन उन परेशानियों के बावजूद वो कैसे अपने सुकून को बरकरार रख सकता है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसी के साथ साथ एक चीज़ उसको ज़िंदगी में हासिल करना है, तो उस चीज़ के लिए, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, उसके पास क्या बुनियादी प्रिंसिपल्स होना चाहिए, क्या बुनियादी उसूल उसके लिए होना चाहिए, वो एक हदीस में हमको मिलते हैं। ये बहुत प्यारी हदीस है, जिसको इमाम मुस्लिम ने किताबुल कदर में उसको रिवायत किया है। अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब इलल्लाह तआला मिनल मुमिनिल दईफ وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل لان لو تفتح عمل الشيطان بس اتنی حدیث ہے یہ حدیث आसमान और ज़मीन से ज़्यादा कीमती है। इतनी बड़ी हदीस है ये, इसमें एक इंसान के लिए कामयाबी का उसूल दे दिया गया है एक हदीस में बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मुमिनिल दईफ व फी कुल्लिन खैर। एक कवी मोमिन, मजबूत मोमिन, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा महबूब है एक कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में है। लेकिन भलाई दोनों में है। दुनिया में अल्लाह ताला ने दो किस्म के लोग बनाए, एक मजबूत है, दूसरा कमज़ोर है। बहुत सारे लोग ये हदीस जब सुनते हैं तो ये समझते हैं कि इससे मुराद ताकतवर मोमिन है, जो जिस्मानी एतबार से मजबूत होता है। इस हदीस में वो बात नहीं है। ठीक है, सेहत एक नेमत है, इंसान को कवी कुव्वत वाला होना चाहिए। ज़िंदगी की भाग दौड़ में, जंगों में और भी मसाइल में जिस्मानी एतबार से कवी होना चाहिए, उसका अलग मकाम है। ये हदीस उसके बारे में नहीं है, क्योंकि पूरा सियाक अगर हदीस का आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ये जो कुव्वत है ये अंदर वाली कुव्वत है, बाहर वाली नहीं। क्योंकि बाज़ औक़ात हदीसों में, और असल चीज़ यही होती है, जिस्मानी कुव्वत तो मोमिन काफिर सभी को नसीब होती है, लेकिन असल रूहानी कुव्वत जिसको आप कहते हैं, कल्बी मजबूती, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मोमिन ही को नसीब होती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। जैसे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लैस शदीद बिस्सुरअ इन्नम शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, बहादुर पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे। तो असल कुव्वत जो होती है वो अखलाकी कल्बी कुव्वत होती है। उसके साथ अगर इंसान के पास जिस्मानी कुव्वत भी शामिल हो जाए तो बहुत आला बात है, और भी बड़ी नेमत है। लेकिन असल चीज़ इंसान के पास अंदर वाली ताकत होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला को देखिए, दुबले पतले थे, एक मरतबा एक पेड़ पे चढ़े उसकी मिसवाक के लिए, शाख को तोड़ने के लिए, सहाबा देख के हंसने लगे, देखो पतली पतली टांगों वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनकी पिंडलियों को देख के हंसते हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहाँ मीज़ान में इसका वज़न ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा है।
तो असल जो कुव्वत है ये इंसान के इरादे की, उसके दिल की, उसके ईमान की कुव्वत होती है। इस हदीस में उसी का बयान है कि मजबूत मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बेहतर हैं और ज़्यादा महबूब हैं, उसमें खैर ज़्यादा है। वो कौम का लीडर बन सकता है, डरपोक आदमी बन सकता नहीं। कौम किसी के पीछे चल रही है, उसमें बहादुरी अगर नहीं है, उसमें मजबूती अगर नहीं है, तो उसके ज़रिए से खैर वैसे वजूद में नहीं आ सकती है। ठीक है, कमज़ोर में भी भलाई होती है, उसका एक अपना मकाम है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो खैर इसमें होती है वो उसमें नहीं होती है। ये ज़्यादा भलाई वाला है, खैरुन व अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि इसके ईमान की कुव्वत, इसके इरादे की कुव्वत, इसके दिल की मजबूती से बहुत सारी भलाइयाँ वजूद में आती हैं। वफी कुल्लिन खैर। लेकिन कमज़ोर मोमिन भी बुरा नहीं होता है, कोई डरपोक है, जल्दी से डिप्रेस हो जाता है, घबरा जाता है परेशानी आने से, तो क्या इस्लाम से बाहर निकल जाता? नहीं, उसमें भी भलाई है। कभी कभी बहादुर को सही डायरेक्शन घबराने वाला देता है, यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि खतरा लग रहा मुझको, तो बाज़ औक़ात वो बचाव का जरिया भी बनता है। तो ऐसा भी अच्छा होता है और ऐसा भी अच्छा होता है, लेकिन ज़िंदगी के मार्के में रुकने से ज़्यादा आगे बढ़ना और काम करना ज़्यादा अहम होता है। बेअमली तआतुल से ज़्यादा कोशिश ज़रूरी होती है और उसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिए होता है। तो पहली बात ये मालूम पड़ी इस हदीस से कि ज़िंदगी में इंसान के पास हौसला होना चाहिए, उसके पास अखलाकी मजबूती होनी चाहिए, उसका दिल मजबूत होना चाहिए। वफी कुल इन खैर, भलाई दोनों में होती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी के लिए आगे बताया कि ठीक है, तुमको कामयाब होना है, तीन चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। आपने तीन बातें यहाँ जिक्र की हैं। ए हरिस आला मा यनफाउक, वस्तईन बिल्लाही वला तअजिज़। किसी आदमी को मसलन दीन का इल्म हासिल करना है, किसी को दुनिया में कामयाब होना है, किसी को तिजारत में जाना है, किसी को और मैदान में जाना है, उसके लिए तरतीब क्या है? तीन काम उसको हदीस में बताए गए हैं, और तीन चीज़ें करें। नंबर एक, सबसे पहला काम क्या है? ए हरिस आला मा यनफाउक। इसमें दो चीज़ें हैं। आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कितनी ज़बरदस्त होती हैं। काश कि हम थोड़ा वक्त निकाल के उन पर गौर करें, या कम से कम उलमा का कलाम पढ़ें कि क्या उन्होंने समझाया इस पर। नंबर एक, ए हरिस अला मा यनफाउक, जो चीज़ तेरे लिए नफ़ा बख्श है उसकी हिर्स करें, हिर्स कर। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक नफ़ा किसमें है मालूम होना, मनफायत की मारिफत, नंबर दो नफा बख्श की हिर्स। एक इंसान के अंदर अगर किसी भलाई की, अच्छाई की, नफा बख्श चीज़ की तलब ही ना हो, हरकत पैदा होती है उसकी ज़िंदगी में, नमाज अच्छी है ना, हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से हिर्स है, कितने लोग मस्जिद के बाहर बैठे दिखाई देंगे लेकिन नहीं आएंगे नमाज के लिए, हिर्स अंदर नहीं है। जन्नत बहुत अच्छी, लेकिन अंदर हिर्स पैदा हुई नहीं, अंदर से एकदम चाहत होना चाहिए, रगबत और हिर्स उसके अंदर होना चाहिए, मुझको ये चाहिए। मोटिवेशन उसके लिए ज़रूरी है, रगबत उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन रगबत किसकी होना चाहिए? रगबत बाज़ औक़ात इंसान को गलत चीज़ की होती है, वो ऐसे रास्ते पर दौड़ पड़ता है जो उसके लिए नुकसान वाला होता है, ये समझते हुए कि ये फ़ायदेमंद है। उससे भी पहले ज़रूरी क्या है? उसको मालूम हो कि मेरे लिए मुफीद क्या है और मुजिर क्या है, फायदामंद क्या है, नुकसान वाला क्या है। तो कामयाबी के लिए सबसे पहला काम क्या है? इंसान इस बात को जाने कि मेरे लिए भलाई किस चीज़ में है और मेरा नुकसान किस चीज़ में है। सबसे पहले इल्म उसके पास होना चाहिए, वो डिफ्रेंशिएट करे, वो फ़र्क करे, ये मुफीद है, ये मुफीद नहीं है। बिजनेस कर रहा है, कौन सा बिजनेस फायदामंद है, कौन सा नहीं। कितने लोग हैं सारा पैसा दुकान बेच के, मकान बेच के लगा देते, उसके बाद सर पकड़ के बैठ जाते, गया। कितने लोग हैं पछता रहे हैं और पछताते हैं। तो बाज़ औक़ात इंसान को मालूम नहीं होता है नफा बख्श क्या है।
और वो सारी कोशिश उसमें झोंक देता है। कितने लोग हैं कोर्सेज में पैसा डाल देते हैं, बाद में मालूम पड़ता कि इससे अच्छा कोर्स था जो इससे कम में हो सकता था, अब मुझको यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। उसने पहले तहकीक नहीं किया, पहले छलांग लगा दी है। तो पहला काम जिंदगी में कामयाबी के लिए है कि एक इंसान ये मालूम करे कि मेरे लिए फायदा मंद क्या है और मेरा नुकसान किस में है। नॉलेज उसको होना चाहिए, सही मारिफत उसको होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात मालूम तो हो जाता, अंदर से रग़बत नहीं होती है, अंदर से उस चीज़ की चाहत और हिर्स और प्यास नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोग जान कर भी कुछ कर नहीं पाते, उनकी ज़िंदगी में हरकत नहीं पैदा होती, उनकी ज़िंदगी में कोशिश नहीं आती। कोशिश लाने के लिए क्या होना चाहिए? हिर्स होना चाहिए। हिर्स किसको कहते हैं? एक आदमी को लालच हो उस चीज़ की, उस चीज़ की चाहत, तो मुझे चाहिए ही ये, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, मुझे चाहिए ये चीज़। जैसे आप देखिए पैसे की लालच इंसान को होती तो भागता है, इसी तरह से किसी और चीज़ की लालच हो तो आदमी करता है। जो चीज़ इंसान के लिए खैर है, जन्नत मुझको चाहिए, नफ़े बख्श इल्म मुझको चाहिए, हलाल रिस्क मुझको चाहिए, दुनिया में कोई कामयाबी मुझको चाहिए, तो मालूम करे सही क्या है, रास्ता कौन सा उसका है, फिर उसके बाद में उसकी रग़बत उसके दिल में हो। रग़बत के लिए क्या करना पड़ेगा? मसलन किसी इंसान को नमाजी बनना है, तहज्जुद का अहतमाम करना है, रग़बत पैदा करने के लिए उसकी फजीलत जानना पड़ेगी। पैसा मुफीद है किसी को बताना पड़ता नहीं, उसके लिए अजान होती जॉब पे जाओ के लिए नहीं, उसको मालूम है, उसको मालूम है कि पैसे का फायदा क्या है, लिहाजा उसकी रग़बत उसके दिल में है इसलिए कि उसकी मनफात उसको मालूम है। तो वो इंसान क्या करता है? दौड़ता है, बार 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 सुनता है पैसा है तो सब है, पैसा है तो रिश्तेदारी है, पैसा है तो दुनिया में काम होता है, पैसा है तो सब फाइल आगे जाती, सब होता, सब उसको मालूम है। तो पैसा को जब दुनिया में देखता है इसका फायदा क्या है और इसका इफेक्ट समाज में क्या है, तो फिर अब उसको समझ में आता, अब उसके लिए दौड़ता कि ये चाबी मिल गई तो सब मिल गया। यही मामला दीन के बारे में हो सकता है, इल्म के मामले में तहज्जुद मसलन उसको पढ़ना है, अब वो फजीलत पढ़े जो हदीस में आई है, तहज्जुद पढ़ेंगे ये सवाब है, तहज्जुद पढ़ने का ये फायदा है, तहज्जुद पढ़ने का ये है, पांच वक्त की नमाजों का ये है, रोजे का ये है, नफल रोजे का ये है, जो आमाल हैं उनकी फजीलत वो जाने, उससे सुन 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 के दिल में रग़बत होती है। इदा तकर्रारा तकर्रारा, जब एक चीज़ की तकरार होती रहती है वो दिल में बस जाती है, वो बात बैठ जाती है दिल में, क्योंकि एक दो बार सुन के नहीं होता, कई बार जब एक आदमी बात सुनता है, मान लीजिए कोई आदमी एक किसी से मिला, बोला आप आज कैसे लग रहे हैं, ठीक नहीं दिख रहे आज, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, फिर आगे गया किसी और दोस्त से मिला, यार क्या बात है आज ठीक नहीं लग रहे, तो पहली मर्तबा में तो बोल सकता कि जलता है मेरे से, हसद करता है इसलिए मुझको दिल दुखाने के लिए बोला, लेकिन अगर चार पाँच छः सात लोग अगर उसको जा भी मिल रहे वही बोलें तो कैसा लगेगा उसको, आईने में आके घर में देखेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। कई लोग जब एक बात बोलते हैं, कई बार जब एक बात सुनता है तो उसका दिल पर असर पड़ता है। हम लोग दीन की बात को, इबादत का मामला हो या दुनिया की बातें हो, हम उसको सुने, इसमें फायदा क्या है, हमारे दिल में क्या पैदा होगी उसकी रग़बत। तो पहली चीज क्या है? एहरिस अला मा यनफाउक, जो चीज तेरे लिए फायदा मंद हो उसकी हिर्स कर, सही मालूमात और उसकी चाहत, नंबर एक। दूसरी चीज वस्तईन बिल्लाही वला तअजिज, ये दो और तीन है, अल्लाह से मदद मांग, ये नहीं कि मेरे हाथ में मैं जो चाहे अचीव कर सकता हूं, नहीं, चाहे वो दीन की चीज हो चाहे दुनिया की हो, चाहे वो दुनिया का रिस्क हो या जन्नत वाला रिस्क हो, उसके पाने के लिए तो अपने ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता है, उसके लिए तुझे अल्लाह की जरूरत है। कुरान करीम में हम क्या पढ़ते हैं, नमाज में हर रकत में पढ़ते, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अहले इल्म फरमाते हैं, इब्न अब्बास से भी बात आई है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी और को माबूद नहीं बनाते, लेकिन इस इबादत में भी हम तेरी मदद के मोहताज हैं, अगर तू हमारी मदद ना करे तो हम इबादत भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम अजान जब होती है हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह कहा जाता है, हम क्या बोलते हैं,
ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई जोर नहीं कोई कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह की तौफीक के बगैर मैं नमाज को नहीं जा सकता। तो जब एक खैर की चीज़ या एक नफा बख्श चीज़ की नीयत इंसान कर ले और उसके दिल में रगबत भी हो, तो अब एतमाद अपनी ज़ात पर या वसाइल पर नहीं हो, एतमाद किस पर हो? अल्लाह पर। अल्लाह चाहेगा तो मिलेगा, तो मांगना अल्लाह से पड़ेगा। अल्लाह चाहेगा तो असबाब को मेरे हक में कर देगा, चीज़ों को मेरे फेवर में करेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा पूरी दुनिया को लेके मैं कोशिश करूं नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़ नीयत, सच्ची नीयत, रगबत के साथ, सही मालूमात के साथ। एक इंसान यानी उसके दिल, उसको सही मालूम हो, उसके दिल में चाहत हो और वो इरादा करे कि मुझको ये चाहिए। फिर उसके बाद क्या करें? दूसरा मरहला, अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह मैं ये करना चाहता हूँ, दीन का इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं इबादत गुजार बनना चाहता हूँ, मैं अपने घर को दीनदार बनाना चाहता हूँ, मैं अल्लाह मैं हलाल रिस्क के लिए दौड़ रहा हूँ अभी, तो मेरी मदद कर। तो अल्लाह से मदद चाह के वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांग। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान अल्लाह पर भरोसा करने वाला हो, उसको मालूम हो कि देने वाला कौन है? अल्लाह है। वो अपने को मोहताज माने अल्लाह का, ये नहीं कि मेरे पास सब तो है, अब क्या है, मतलब मेरे पास सलाहियत है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास सब सारे सोर्सेज मेरे पास हैं, फ़ोन घुमाओ काम हो जाता मेरा, नहीं होता। लगता होता लेकिन नहीं होता, अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं होता। तो दूसरी चीज़ क्या है? अल्लाह से मदद मांग। छोटा मामला हो, बड़ा मामला हो, मेडिकल इश्यूज हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा रहा, लेकिन अल्लाह से मदद मांग। ए अल्लाह मुझको शिफा दे दे, मेरे फुलां भाई को, माँ को, बाप को, किसी को शिफा दे। डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी आदमी क्या करे? भरोसा किस पर रखे? अल्लाह पर। वस्तईन बिल्लाह वला ताजिज, अल्लाह पर भरोसा रखे, लेकिन वला ताजिज, आजिज मत बन, आजिज मत बन, यानी हाथ पांव तोड़ के बैठ मत, कोशिश छोड़ मत, हिर्स कर, मदद मांग, कोशिश कर। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? नहीं हो सकता अभी। क्यों? यानी तू कौन होता बोलने वाला? नहीं हो सकता, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हो सकता, तो कोशिश तो कर। इंसान क्या करता बाज औकात, यानी अल्लाह से दुआ मांगता, अल्लाह नेक सवाल औलाद दे, निकाह किया, निकाह नहीं किया और अल्लाह से औलाद मांग रहा है, उसको औलाद के लिए क्या करना पड़ेगा? निकाह तो करना, बढ़ गया औलाद की, मरियम है किस, कैसे औलाद होगी? इसको औलाद के लिए तरीका क्या है? निकाह, निकाह उसको करना पड़ेगा। तो इसको कोशिश भी करना है और अल्लाह से मदद मांगना है। तो यहाँ कहा गया वस्तईन बिल्लाह वला ताजिज, कल्ब की सतह पर, अमल की सतह पर आजिज मत बन। आजिज किसको कहते हैं? जो ऐसा पड़ा हुआ हो कि चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, ऐसा मत बन, कोशिश कर। चाहत तेरे दिल में है, अच्छी बात है। कितने लोग हैं आप देखिए, सिगरेट हाथ में लेके बोले कितनी कोशिश करता लेकिन छूटता नहीं, तो छोड़ेगा तो छूटेगा ना, अस्तगफिरुल्लाह पी रहा हूं मैं लेकिन चाहता हूं कि छोड़ो लेकिन छूटता नहीं, तो तू कोशिश क्या किया बता? कोशिश नहीं करता है, सिर्फ चाहत दिल में होती है। बाज़ औक़ात दुआएं आदमी करता है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, लेकिन इसके साथ हिदायत के रास्ते पे चलने की कोशिश क्या किया तू? कोशिश क्या किया तू? दीनी मजालिस में आता है? नहीं। दीनी मजालिस में नहीं आता, उलमा से पूछता है? नहीं। जो बताए दवा कुरान और सुन्नत में अपनी इस्लाह के लिए करता है? नहीं। तो अल्लाह से मदद मांगने के साथ साथ इंसान को क्या करना चाहिए? कोशिश भी करना चाहिए। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, अल्लाह के रसूल मैं ऊँट को बांध के अल्लाह पे भरोसा करूँ कि ऊँट को खुला छोड़ के? कहा, ऊँट को बांध और अल्लाह पे तवक्कुल भी कर। मालूम है कि अल्लाह पे भरोसा करने का ये मतलब नहीं है कि हम असबाब को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करने के साथ इंसान मुमकिन कोशिश करे, जो उसके लिए पॉसिबल है, जो उसके लिए मुमकिन है वो कोशिश ज़रूर करे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अल्लाह से मदद मांग, अपने ऊपर भरोसा मत रख, लेकिन तेरी कोशिश जो तुझको करनी चाहिए वो कोशिश भी कर। वला ताजिज, आजिज मत बन, हिम्मत हार मत। इंसान जंग बाद में हारता, हिम्मत पहले हारता।
अक्सर जिंदगी में क्या होता है, मौका होता है, हो सकता है, कि इंसान क्या करता नहीं होता, अब छोड़ दो, तो छोड़ देता है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि कामयाबी मुमकिन होती है, लेकिन इंसान क्या करता है, हिम्मत और हौसला हार जाता है और कोशिश नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है ये ज़िंदगी में नहीं होना, हौसला रहना इंसान में, हिम्मत रहना, और वो कोशिश करें उतनी जितनी मुमकिन है, उसकी थोड़ी कोशिश को भी अल्लाह ताला मदद करके कामयाबी का ज़रिया बना सकता है। इंसान की छोटी कोशिश भी उसके लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकती है, अगर अल्लाह चाहे। इसलिए पहले क्या करना, अल्लाह से मदद मांगना, फिर अपनी कोशिश ज़रूर करना, अपनी कोशिश छोड़ना नहीं, अपनी कोशिश छोड़ना नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए हिदायत की दुआ भी करते थे और आप उनको दावत भी देते थे, वरना अंबिया आके क्या करते, बैठ के किसी मस्जिद बना लेते और अल्लाह से सारी इंसानियत के लिए बस दुआएं करते रहते, कि अंबिया ने ऐसा नहीं, दुआ भी किए अल्लाह से और दावत भी दिए लोगों को। तो ये दोनों चीज़ें, कि अल्लाह से भी मांगना और लोगों को भी समझाना, ये दोनों चीज़ें जमा होना चाहिए, कि अल्लाह से दुआ भी हो और कोशिश भी हो। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लौ अन्नकुम कुंतुम तवक्कलून अलल्लाह हक तवक्कुलिही लरुज़िक्तुम कमा युर्ज़क़ुत तैर तगदु खिमासन व तरूह बिताना। अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसा भरोसा करना चाहिए, जैसा भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें वैसे रिज्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को दिया जाता है, सुबह सवेरे भूखे पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और फिर शाम को भर पेट वापस लौटते हैं। उलमा ने कहा यहाँ देखने की बात यह है कि तवक्कुल की बात हो रही है और परिंदों की घोंसला छोड़ने की भी बात हो रही है, ये नहीं कहा कि अपने घोंसले में बैठे रहते हैं और अल्लाह ला के देता है उनको, नहीं, बल्कि क्या कहा कि अल्लाह पर तवक्कुल करोगे तो किसकी तरह मिलेगा रिस्क, परिंदों की तरह। परिंदों की सुन्नत क्या है, परिंदों का तरीका क्या है, वो रिस्क के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अल्लाह पे भरोसा भी हो और कोशिश भी हो, इस हदीस में बताया गया है कि तवक्कुल के साथ कोशिश भी जमा होना चाहिए, दुआ के साथ में कोशिश भी होना चाहिए। तो तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर हदीस में हमको मिली, एक खैर अगर इंसान को कामयाब होना है, नंबर एक दिल में उसकी चाहत होना चाहिए, चाहत है तो रास्ता बनता है, चाहत ही नहीं, दिल में चाहत ही नहीं तो फिर क्या है, गाड़ी चलेगी ही नहीं, आगे जाना ही नहीं भाई कहीं, तो फिर गाड़ी क्यों चलेगी, कदम क्यों उठेंगे, चाहत होना चाहिए। दूसरे ये कि इंसान अल्लाह से मदद मांगे, रहनुमाई मांगे, नुसरत मांगे अल्लाह से, अपने ऊपर भरोसा ना करे। तीन, एक इंसान जो कोशिश उसके बस में है वो ज़रूर करे, उससे रुके नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके बाद कामयाबी आए, कभी फेल भी हो सकता है पहले फेस में। बाज़ औक़ात क्या होता, इंसान सब करता, नियत भी किया, दुआ भी किया, कोशिश भी किया, गए इंटरव्यू के लिए, फेल, नहीं हुआ, जॉब मिला, क्या फ़ायदा, इतना सुना बयान, उसके बाद कोई नतीजा नहीं, छोड़ देता है। एक मरतबा में हमेशा कामयाबी मिलती नहीं, कभी मिल जाती लेकिन उमूमन नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फतह मक्का से पहले कितनी एक जंग करनी पड़ी, बदर हो गई, सब खत्म हो गया नहीं, एक के बाद एक होते 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 अल्लाह ने क्या कर दिया, फिर गालिब कर दिया, एक दिन ऐलान कर दिए सफा पे खड़े होके आपने और सब मुसलमान हो गए, नहीं, एक दो तीन सालों साल लग गए उसको। तो एक मुद्दत जाती है कोशिश करते करते करते, फिर इंसान कामयाब होता है। बहुत कम ऐसा होता है बटन दबाए कामयाब हो गए, ऐसा बहुत नहीं के बराबर होता है, उमूमन ऐसा होता है, कामयाबी सीढ़ियों की तरह होती है और बीच में कभी कभी लुढ़कता भी आदमी, लेकिन फिर वापस कोशिश करता है और कामयाब होता है। इसके लिए क्या है, इंसान के अंदर तकदीर पर एतमाद होना चाहिए, तकदीर का अकीदा उसके पास होना चाहिए। कहा कि अगर इतना सब करके भी व इन असाबक शैउन, अगर इसके बावजूद भी कोई मुसीबत तुझ पर आए, नाकामी हो, तंगी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, अगर ये सब करके भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए, व इन असाबक शैउन फला तकुल लौ अन्नी फअलतु कान कदा व कदा, ऐसा मत बोल कि मैं अगर
ऐसा करता तो ऐसा ऐसा हो जाता। यानी अगर जिंदगी में कोशिश के बावजूद नाकामी हो, मसलन घर में कोई बहुत बीमार था, आप दौड़े दौड़े दवाखाने लेके गए उसको, और इस डॉक्टर के पास जाने के बजाय उस डॉक्टर के पास चले गए, इस रास्ते से जाने के बजाय उस रास्ते से गए, और वहाँ पहुँचते पहुँचते हालत और गैर ख़राब हो गई, और वहाँ जाने के बाद फलां का भाई बहन माँ बाप या किसी का भी करीबी कोई होता हर एक का, और ज़िंदगी में बाज़ औक़ात होते ऐसे हादसात, वफात हो गई। अब इंसान बाद में सोचता, काश कि मैं ट्रैफिक वाले रास्ते से नहीं जाता, काश कि मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जाता, काश कि मैं थोड़ी देर पहले निकलता गाड़ी लेकर, तो ये नहीं होता। ये जो काश है इंसान की ज़िंदगी को भयानक बना देता है, चाहे वो माश के बारे में हो, चाहे वो इलाज के बारे में हो, चाहे वो इल्म के बारे में हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हो। इंसान की ज़िंदगी में मौके आते हैं, बाज़ औक़ात खो देता उसको, लेकिन उस नुकसान के बाद बड़ा नुकसान ही होता है कि वो नुकसान सोच सोच के हर दिन वो तकलीफ़ उठाता है, वो पास्ट पे जीने वाला बन जाता है, फ्यूचर में नहीं, हाल में तो नहीं नहीं वो कैसा जीता है, अच्छा नहीं हुआ, काश कि मैं साइन करा लेता तो जायदाद मेरे नाम पर हो जाती है, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं उस इंटरव्यू को जाता, मेरे दोस्त को मिल गया, देखो मैं गया होता तो मेरे को मिल जाता, अच्छा जॉब मिलता है, पैकेज भी अच्छा था, अब भटक रहा हूँ, 2 साल से मिल रहा नहीं, लॉकडाउन हो गया तो तब से तो और भी हालत ख़राब हो गई, बैठ के खाता वर्क फ्रॉम होम। कई लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि काश कि मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो कहा कि ऐसा मत कर, अगर ज़िंदगी में नाकामी हो, और हर एक को नाकामी होती है ज़िंदगी में, साहबी ने भी क्या कहा था हिरकल के दरबार में, हमारे और उनके दरमियान मामला कैसा है, जैसे डोल होता है, कभी उनके हाथ में होता है, कभी हमारे हाथ में होता है, कभी वो कामयाब होते हैं, कभी हम लोग कामयाब, कभी वो गालिब, कभी हम लोग गालिब। तो ऐसा मामला ज़िंदगी में चलता रहता है, हर अटैम्प्ट सक्सेस नहीं होता है, फेलियर्स भी होते हैं उसके अंदर, लेकिन उन फेलियर्स से इंसान हिम्मत और हौसला और तजर्बा लेकर आगे बढ़ता है। ये अगर उसके अंदर है तो कोई फेलियर उसके लिए फेलियर नहीं है। मान लीजिए आप सीढ़ी पे चढ़ने गए और पांव फिसल के गिरे, आप देखिए 5वीं सीढ़ी पे पांव फिसलता है, आपने सीखा यहाँ पर तेल गिरा हुआ था, ग्रीस लगा हुआ था, इसलिए मैं गिरा यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, उस सीढ़ी पे एहतियात से चल के फिर आगे जाएंगे। तो आपने उस सीढ़ी पे सीखा, और पीछे से जो आ रहा उसको भी आप बोलेंगे संभाल के आओ भाई, यहाँ पाँव फिसलता है, तो आप दूसरे की भी कामयाबी का जरिया बनते हैं। तो इंसान जब बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ठोकरें खाता है, नाकामी को देखता है, वो नाकामी वक्ती होती है, वो बड़े प्रोजेक्ट में छोटी नाकामी होती है, वो इनकन्वीनियंस होती है, वो फेलियर नहीं होता है। उससे आदमी जब सीखता है तो आगे जाके बड़ी कामयाबी उसको नसीब होती है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, अगर इतना सब करके भी कोई परेशानी फिर भी तुझ पर आए, नाकामी से दो चार हो, ऐसा मत बोल कि मैं काश ऐसा करता तो ऐसा होता, तो फिर क्या बोल, वलाकिन कुल कदरुल्लाह वमा शा अफ़अल, बल्कि यूं कहे तो अल्लाह की तकदीर है, जो अल्लाह ने चाहा किया। पास होना फेल होना फैसला किसका है, ठीक है कोशिश मेरी है, फैसला किसका, अल्लाह। औलाद होगी नहीं होगी, शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी, कामयाब होगा नहीं होगा, इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा नहीं होगा, इम्तिहान में पास होगा नहीं होगा, तिजारत में डील कामयाब होगी नहीं होगी, फैसला कहाँ से आता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा इशारा करके कहा, अला तरौना हाहुना, देखते हो यहाँ पे, अन्नल अम्र मिन हाहुना, फैसला वहाँ से आता है, युदब्बिरुल अम्र मिन अस्समाई इलल अर्द, अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन तक के फैसले करता है, फैसले वहाँ से आते हैं, आसमान से अर्श से आते हैं। तो इंसान ये कहे कि, ये नहीं कहे कि काश मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि कहे अल्लाह की तकदीर है भाई, जो अल्लाह ने चाहा अल्लाह ने किया। क्यों ऐसा करना, इसलिए कि आपने फरमाया लिअन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, इसलिए कि अगर शैतान के अमल का दरवाज़ा खोलता है, यानी अल्लाह ने तो चाहा ऐसा हो, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो फिर ऐसा नहीं होता, यानी जो अल्लाह ने चाहा वो नहीं होता। सोचिए, यानी एक आदमी है, उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने उतनी रखी,
और उसकी मौत हो गई। अब हमने सोच रहे हैं काश कि हम ऐसा करते तो वो नहीं मरता, यानी अल्लाह के फैसले को हम टाल देते। जो हो चुका है उसके बारे में इस तरह से कहना, अफसोस करते रह जाना, ये इंसान को कभी सुकून नहीं देता है और इंसान उसी में अपने आप के ऊपर जो है जुल्म करता रहता है, अपने आप को तकलीफ देता रहता है, वो जख्म बार 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 उसको पहुंचता रहता है, काश कि मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। और उसके साथ एक दूसरा नुकसान ये होता है कि उसके अकीदे में कमज़ोरी पैदा होती है, उसकी निगाह अल्लाह से हट के असबाब वसाइल और तरकीबात में फंस जाती है। एक मोमिन क्या होता है, सब कुछ भी करो होता वही जो अल्लाह चाहे, ये मोमिन है। कमज़ोर ईमान क्या है, बिगाड़ ईमान का क्या है कि नहीं ऐसा करे तो अल्लाह के फैसले से बच सकते, नहीं बच सकते, अल्लाह जो चाहे वही होता। इसलिए कि अगर जब कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, तो शैतान के अमल का रास्ता दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि शैतान क्या चाहता है, अल्लाह ताला से इसको दूर करके वसाइल में असबाब में और अपने आप में फंसा दे, तू जो चाहे वो होता, अल्लाह जो चाहे होता है की बजाय क्या है, तू जो चाहे होता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कहे नबी आप जिसे चाहे उसे हिदायत मिल जाए, नहीं होगा ऐसा, बल्कि अल्लाह जो चाहे, अल्लाह जिसको चाहे, जिसको पसंद करे अल्लाह उसको हिदायत देगा। तो रसूल की चाहत भी पूरी हुई नहीं, अबू तालिब को कितनी कोशिश की, दावत दिए, समझाए, नहीं माने वो, नहीं माने वो। तो अल्लाह जो चाहता वही होता है, एक ईमान वाले का अकीदा ये होता है। शैतान क्या करता, अल्लाह से उसको भटका के तू ऐसा अगर करता तो ऐसा हो जाता। तो अब ध्यान किस पे आया, मैं ऐसा करता तो कायनात में मेरी कोशिश चलती है नहीं, मैं जो भी करता हूँ ठीक है, नतीजे किसके फैसले से होते हैं, अल्लाह के फैसले से। तो ये हदीस जो है बहुत ही अजीम शान हदीस है, जिसमें यह बताया गया है कि एक मोमिन को कवी होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और कुव्वत यह है कि एक इंसान के दिल में खैर की रगबत हो, चाहत हो, उसके पास इल्म की पुख्तगी हो, पहले मालूम करे फिर छलांग लगाए, फिर मालूम होने के बाद वो उसके दिल में उस चीज़ की रगबत हो, चाहत हो, नियत करे, इरादा करे पुख्ता। बहुत सारे लोग इरादा करते लेकिन इरादे कमज़ोर होते हैं, आज हाँ बोलेंगे कल ना बोलेंगे, कल से इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगा 5 वक्त की, लेकिन वो इरादा कब तक रहता, टिमटिमाता दिया रहता, जरा सी फूंक आ गई खत्म, रात को 2 बजे तक व्हाट्सएप चेक करते बैठा, सुबह बजर गए। तो इरादा पुख्ता होना चाहिए, हिर्स उसके अंदर होनी चाहिए, फिर अल्लाह से मदद भी मांगे, अपने ऊपर निगाह न रखे, फिर उसके बाद कोशिश जो करनी चाहिए अलार्म लगाए और बिस्तर से दूर रखे। अलार्म लगा के कहाँ रखता है आदमी, सिराने लग, और वो जब अलार्म बजता है फजर का, ढूंढ के बराबर उसको बंद कर दे, दूर रखे तो उठ के जाना पड़ता, तो आधी नींद उसमें ही खत्म हो जाती है। तो आदमी ऐसी कोशिश करे जो नतीजा खेज हो, नतीजा लाती हो, फिर भी उसके बाद हो सकता है फेल हो गया। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ सफ़र में थे, हजरत बिलाल से कहा कि हमारी फजर का ख्याल रखो, लेकिन सब की नींद लग गई। सुबह जब हुई तो रोशन दिन एकदम उजाला, आपने हजरत बिलाल से कहा हमने नहीं कहा था, कहा कि जिसने आपको सुला दिया उसने मुझको भी सुला दिया। तो फिर वहाँ से आगे बढ़े और एक जगह जाके आपने कहा ये जगह शैतान का असर है यहाँ पर, चलो यहाँ से, और आप वहाँ आगे गए और फिर वहाँ पर सब ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी। तो इस हदीस से भी मालूम होता है कि हजरत बिलाल की बात को रद्द नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वही इंसान को सुलाता है, वही जगाता है, वही जिलाता है, वही मारता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से होता है। तो जब कुछ हो जाए ज़िंदगी में बुरा नुकसान, तो फिर ये सोच के आगे बढ़ जाना चाहिए, अल्लाह ने चाहा हो गया ख़त्म, आगे बढ़ो। किसी की मौत हो जाए, किसी तिजारत में नुकसान हो जाए या कुछ और हो जाए, तो जो भी इंसान के साथ बुरा होता है उसी में फंसे नहीं रहना, दलदल में निकलना उससे, और ये सोच के चलना हो गया अब आगे बढ़ो। जो अल्लाह ने चाहा, हम अल्लाह के फैसले को फेर सकते क्या, नहीं। हमारा हुक्म कायनात में चलता क्या, नहीं। अल्लाह जो चाहता होता बस ख़त्म। तो ये इसके लिए जो है उस दरवाजे को बंद कर देता, उसको फिर आगे ज़िंदगी जीने वाला बनाता है। अल्लाह ताला इसके हमको समझ अता फरमाए, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को
समझने और उनके मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। अकुलु हादा वस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम।